कर्ज एवं चंदे के पैसे से इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने पहुंचकर देश के लिए दो सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली दो बेटियों को बालोद कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं मंत्री के प्रतिनिधि ने भी स्वेच्छा अनुदान से बेटियों को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद करने की बात कही है। बीते दिनों विशाखापट्टनम में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली बालोद जिले की दो बेटियां राधिका हिड़को व ज्योति चक्रधारी को कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि हमारे जिले के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि डोंडी ब्लॉक ग्राम पुसावाड़ की दो बेटियों ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाते हुए सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आज उनको सम्मानित करने की बात इन्होंने कही और आश्वस्त कराया कि खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद की जाएगी। तो वहीं बेटियों की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए क्षेत्रीय विधायिका व कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी ने भी मंत्री स्वेच्छा अनुदान से बेटियों को आर्थिक मदद देने की बातें कही। सम्मानित बेटियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, वहीं कलेक्टर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, जो खेल, चूंकि कोविड का समय रहा है, खेल के लिए थोड़ा अच्छा समय नहीं था पिछले 1.5 साल से, किंतु अभी बालोद जिले में जो खेल से जुड़ी गतिविधियां चालू हुई है और अभी अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में हमारे जिले के डोंडी ब्लॉक की दो बालिकाओं ने सिल्वर मेडल जीता है। ये बालोद जिले के लिए गर्व की बात है और हमने उनका यहाँ पे सम्मान भी किया और उन्हें आश्वस्त किया है कि भविष्य में उनको किसी भी तरह की कोई आवश्यकता होती है उनको खेल में आगे बढ़ने के लिए, तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग देगा। आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए थे और हमें यहाँ कलेक्टर सर के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। जी, आगे की जो भी जैसे खेल सामग्री हो गया सभी उपलब्ध कराएंगे, ऐसा करके बोले हैं। सम्मानित होने के बाद गरीबी की विषम परिस्थितियों से सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली दोनों बेटियों ने जिला कलेक्टर द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन मिलने पर खुशी जाहिर की है। साथ ही आगे भी बड़े लेवल पर काम करते हुए प्रदेश सहित देश का नाम रोशन करने की बात कही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बारोद से किशोर साहू की रिपोर्ट।